हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, ये है हमारा सुख शांति का पेड़। बहुत सुंदर पेड़ है। इसको वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है घर में रखते हुए। ये इसमें फूल भी आता है, देखिए कितना ही। बहुत सादा सीधा पेड़ है और इसको हम पिंच कर देते हैं तो वो बहुत घना होके बहुत अच्छी फ्लावर भी देगा और सुंदर भी दिखेगा। इसके पानी रोज चाहिए, नहीं तो ये पूरा ढल जाती है। और विशेष केयर की ज़रूरत नहीं है इसे। जैसे हम हर प्लांट को करते हैं वल्डन मिट्टी, बस थोड़ा सा कुछ ख्याल और सनलाइट ज़रूर चाहिए। और इसकी कटिंग आराम से लग जाती है। ऐसे इसके नोड एरिया को लेके इसके ऐसे ये करके ये लगा देंगे तो हम ये आराम से एक पेड़ बन जाती है। मेरा ऐसे 10-20 प्लांट में लगा दी हूँ इसको। इसके इतना सा टहनियाँ लेके हम इसमें लगा देंगे तो ये आराम से हो जाती है। और बहुत सुंदर पेड़ है और छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट फूल भी आते हैं, देखिए बहुत सुंदर लगता है। इसको मैं अभी खाद कुछ नहीं दी हूँ, खाली पानी दी हूँ। अभी तो धूप पड़ रहा है, फिर भी मैं इसे खाना पानी कुछ नहीं दी हूँ। पर ये अभी खिल रहा है, फूल खिल रहा है, देखिए बहुत सुंदर गुच्छा होके ये प्लांट होता है। इसको थोड़ा पिंच कर देते तो और सुंदर लगेगा ये प्लांट। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट को कितना सुंदर लग रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। और इसके बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट करना, मैं बता दूंगी। बहुत सादा सीधा प्लांट है, अगर चाहिए तो भी मैं मुझे बोलने से मैं इसको दिला दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। अगर फेसबुक में फॉलो करते हैं तो इसको फॉलो कीजिए मुझे। और यूट्यूब में सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट कीजिए, क्या जानना चाहते हैं इस प्लांट के बारे में। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। इसके फूल भी देखिए, बिना खाद में इतने होते हैं, तो खाद थोड़ा देने से और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा ये प्लांट। थैंक यू फ्रेंड, बाय।